Hey everyone, welcome back once again to our very own channel that is Maths June. So happy Ganesh Chaturthi to everyone. I hope आज का दिन आप लोग का बहुत अच्छे से गया होगा. तो ये बस वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसलिए मैंने सोचा कि आज का दिन बहुत ही मतलब शुभ माना जाता है कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए. तो ये भी एक नया बिगनिंग है, आपका एक नया शुरुआत है. जो भी बच्चे 10th से इस बार 11th में एडमिशन किए हैं तो उन लोगों के लिए बेसिकली ये वीडियो है. तो जितने भी 10th से होके अभी आप लोग का बोर्ड कंप्लीट होने के बाद जिनका भी रिजल्ट निकला है और आप लोग कहीं ना कहीं अभी तक 11th में एडमिशन कर लिए और कुछ बच्चे अभी तक मतलब ढूंढ रहे हैं कहाँ पर एडमिशन करेंगे, कौन सा स्ट्रीम लेंगे, आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे या फिर कॉमर्स लेंगे, उन्हीं बच्चों के लिए ये वाला वीडियो है. तो बस लास्ट तक रहेंगे, छोटा सा एक वीडियो रहेगा और एक अच्छा सा कुछ आप लोगों को बताना था, इसलिए मैंने सोचा कि गणेश चतुर्थी के दिन ही इसको शुरुआत करेंगे. तो आई होप आप लोगों को भी ये कंटेंट अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगा तो आप लोग के जितने भी 11th क्लास के बच्चे या फिर फ्रेंड्स या नियर एंड डियर वन कोई भी होंगे तो उनके साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं ये 10 मिनट का अगर वो टाइम इन्वेस्ट करेंगे ये वाला वीडियो में तो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को कुछ ना कुछ मतलब सीख मिलेगा जो कि हम लोगों नेक्स्ट 2 साल में हम लोगों को थोड़ा मिस्टेक या फिर मतलब करने से बचाएगा और टिप्स जो कि हम पढ़ाई में भी हेल्प करेगा. तो और ज़्यादा देरी ना करके फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और अगर अभी तक आप लोगों ने मैथ्स जोन फैमिली में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ये रेड कलर का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पर जाके आप लोग सब्सक्राइब करके वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा क्योंकि जब भी कुछ भी कॉन्टेंट हम पोस्ट कर रहे हैं तो बेल नोटिफिकेशन अगर ऑन रहेगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है, तो और ज़्यादा देरी ना करके फिर स्टार्ट करते हैं. और आप लोगों का जो गणेश चतुर्थी आई होप बहुत ही अच्छा गया होगा. मेरे तरफ से और मैथ्स जोन फैमिली की तरफ से आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको और आपके फैमिली को भी. ठीक है, तो डायरेक्टली वीडियो में आते हैं. ओके, सो जैसे कि आपको पता चल ही रहा है ये वीडियो का जो टॉपिक है ये टोटली एक डिस्कशन रहेगा कि क्लास 11 में क्या ऐसा कुछ मिस्टेक्स रहता है जो कि हम मतलब शुरुआत से करते चलते हैं और एट द एंड ऑफ द डे जब हम क्लास 12 में पहुंचते हैं तो हमको लगता है ना कहीं हमारा 11th अगर हम और अच्छे से कर पाते तो हमारा 12th में हेल्प करता. फिर 12th धीरे धीरे स्टार्ट होने के बाद जब बोर्ड्स आता है तब हमको लगता है कि अगर हम 11th का अगर अच्छे से कवर करते 12th का भी अच्छे से कवर करते फिर हो जाता. फिर बोर्ड्स देने के बाद जब एंट्रेंस देने जाते हैं फिर तब जब लगता है कि 11th का फंडा क्लियर नहीं हुआ था, 12th का हमने टाइम को ठीक से यूटिलाइज नहीं किया तो तब फिर से पता चलेगा कि अगर हम 11th का 12th का और बोर्ड्स का अच्छे से प्रिपेयर करते तो कहीं ना कहीं हमारा एंट्रेंस भी अच्छे से हो जाता. ये आप लोग सब रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत अच्छे रिलेट कर भी रहे होंगे. तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं मतलब क्रिएट करने आया, मैं बस आपको कुछ टिप्स देने आया हूँ जो कि आप लोगों को क्लास 11th के स्टार्टिंग से उसको अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ये 2 साल बहुत ही अच्छे से बहुत ही नॉर्मल वे में आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो. उसके बाद आप लोगों का बोर्ड रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और उसके बाद बोर्ड्स के बाद कहीं पर भी कोई भी लाइन में आप जाना चाहते हो तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से क्लिक कर सकते हो. बट ये कुछ सिंपल टिप्स अगर आप लोग पहले से याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग का थ्रू आउट द 2 ईयर्स बहुत ही आसानी से कटेगा. ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 इज आप लोग को स्टार्टिंग आज से करना पड़ेगा. कर दीजिए. और मतलब कुछ बच्चे अभी तक कर दिए हैं, कुछ बच्चे अभी तक वेट किए हैं और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 11th थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर 12th से स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज कि टाइम वेस्ट ना करके आप लोग अपना पढ़ाई, आप लोग का प्रिपरेशन, आपका गोल, आपका जो पाथ आप लोगों ने चूज किया है उसको कर लें. क्योंकि एक बार हमारा रनिंग स्टार्ट हो गया तो आधे ट्रैक में जाके आप ना आपका ट्रैक बदल सकते हो, ना वहाँ से गिव अप कर सकते हो और ना ही आप वहाँ से गेम को चेंज कर सकते हो. राइट, रनिंग से हम लॉन्ग जंप पे नहीं जा सकते. तो जो भी करना है स्टार्टिंग से करना है. अगर हमको लॉन्ग जंप करना है तो लॉन्ग जंप करना है, अगर हमको 100 मीटर रेस करना है तो 100 मीटर रेस करना है, अगर मुझे शॉर्ट पुट करना है तो शॉर्ट पुट करना है, दैट सिंपल. तो स्टार्टिंग ही हमारा गोल हम सेट कर लेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा रहेगा. तो पहला है कि आप लोगों को स्टार्टिंग करना है. सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप लोग का गोल जो भी आप 2 साल के बाद आप लोग अचीव करना चाहते हो अभी से स्टार्ट कर दो. जब भी हम बच्चे को पूछते हैं कि बेटा आप 2 साल बाद क्या करोगे तो सर 2 साल तो अभी है, अभी से क्या करना है, 2 साल होने दीजिए फिर रिजल्ट आने दीजिए, फिर रिजल्ट देख के हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, तो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट को आने को देख के अगर आप लोग आपका फ्यूचर डिसाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मतलब इंस्टेंटली बहुत कुछ मतलब बदल जाता है. मे बी अगर रिजल्ट खराब हो गया तो क्या करोगे, और अगर रिजल्ट अच्छा हो गया तो क्या करोगे, अगर रिजल्ट मीडियम हो गया तो क्या करोगे. तो वहाँ पर रिजल्ट का वेट करके कुछ भी फायदा नहीं है. जो भी करना है आप लोगों को स्टार्टिंग से करना है. अभी आप लोग साइंस लेके फिर बोलोगे प्लस टू के बाद कि हमको सीए लाइन में जाना है तो अभी मतलब ऑब्वियसली सबको भी बोलेंगे अगर तुझे सीए ही जाना था तो कॉमर्स में क्यों नहीं गया. वेरी सिंपल, फॉर एग्जाम्पल एमटेली. ठीक है, तो पहला पार्ट है आप लोगों को स्टार्टिंग आज से ही कर देना है. सेकंड पार्ट है कि आपका जो गोल है 2 साल के बाद का अभी से स्टार्ट कर दो. थर्ड पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूँ साइंस के जो भी बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं उन लोगों का जो फिजिक्स में बहुत सारा मैथ्स का जरूरत होता है बहुत, और क्योंकि 11th 12th मैथ जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है तो ध्यान
लगा के समझ के आप लोग मतलब चूज करना कि आपको मैथ्स लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि मैं खुद मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को ऑब्वियसली प्रीफर करूँगा मैथ्स लेने के लिए, बट एट द सेम टाइम मैं बच्चों को वो भी एडवाइस देना चाहूँगा कि मतलब अगर आप लोगों का मैथ बहुत अच्छा नहीं है, क्लास 10 में आप लोगों का नहीं होता था, और आप लोगों का अगर आफ्टर 2 ईयर्स आपका अगर लाइन नीट या फिर मेडिकल लाइन में है, तो वहाँ पे आपको मैथ्स का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग सिंपल फिजिक्स और सिंपल मैथ्स जो भी चाहिए फिजिक्स में वो करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। मतलब अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, और अगर आपके पास ऑप्शन मतलब है कि प्लस टू के बाद मुझे मैथ्स रिलेटेड कुछ करना है, बहुत बच्चों को मैं अभी भी देखा हूँ कि जो लोग मैथ्स नहीं लेते हैं और प्लस टू के बाद फिर आफ्टर 12 वो लोग सोचते हैं कि अगर मैंने मैथ्स लिया होता तो मेरा ये लाइन हो जाया होता, तो जो भी करना है स्टार्टिंग ये कुछ दिनों में ही करना है, तो ये बहुत ही सही मतलब एक टाइम है ये वीडियो मतलब बनाने का, इसलिए मैं सोचा कि नहीं मतलब बहुत बच्चे अभी मतलब कन्फ्यूजन स्टेट में है, करना क्या है क्या नहीं करना है, बहुत सारा वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारा लोगों से सुन रहे हैं, बट मतलब एग्जैक्टली क्या उन लोगों को चाहिए वही वाला अगर कॉन्टेंट उनको मिल जाएगा तो ऑब्वियसली उनको भी हेल्प हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो 2 साल के बाद अगर उनका मतलब जो भी गोल हो वो लोग सेट किया अगर वो क्लिक हो गया तो वो मेरे तरफ से भी बहुत ही मुझे भी एक अच्छा लगेगा कि मैंने उन लोगों को गाइड किया था, ऑब्वियसली वो लोग वो ट्रैक में जा रहे हैं। ठीक है, और बात रहा कंसिस्टेंसी का, जो भी एंट्रेंस वगैरह रहता है वहाँ पे 40% आपका 11th का कोर्स और मतलब 50% और 60% आपका 12th का कोर्स आता है, तो 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और बच्चे उसको नहीं समझ के बस 11th को नॉर्मली चला लेते हैं, और 12th में जब उन लोग सोचते हैं कि 11th का हम कवर कर लेंगे तो 12th का इतना प्रेशर आ जाता है कि 11th के लिए कुछ भी मतलब टाइम नहीं बचता, इसलिए मेरा मतलब यही सजेशन है कि अगर आप लोग 11th में अभी तक आ गए हो, पढ़ाई नहीं स्टार्ट हुआ है, तो अभी से जल्दी से स्टार्ट कर लो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, गोल को सेट करो और मतलब लग जाओ बस। ठीक है, और बाकी रहा जो भी फिजिक्स में कुछ मैथ्स का ऐसा है, मतलब मेन पार्ट था कि बहुत बच्चे मुझे बोले कि सर फिजिक्स में ऐसा बहुत सारा मैथ्स है जो कि क्लास 12 में मतलब लाइक डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया, बहुत सारा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का बेसिक लेवल में आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, जो कि अगर आप मैथ्स में पढ़ेंगे तो वो जाके आप लोग क्लास 12 में पढ़ने वाले, तो बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर फिजिक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत हमको कन्फ्यूजन हो जा रहा है वो मैथ्स में, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डायरेक्टली स्टार्टिंग से करना दैट इज नॉट इजी टास्क फॉर ऑल द स्टूडेंट, मतलब सारे बच्चे करते रहे, बट बहुत ऐसे 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 बच्चे होते हैं जो कि डायरेक्टली मतलब नहीं समझ पा रहे, और क्योंकि वो लोग नहीं समझ पा रहे अच्छे से तो उन लोगों का फिजिक्स का मार्क भी धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो इसलिए मैंने उन लोगों को बोला कि ठीक है प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप लोग 12 का जाकर अभी वीडियो भी देखोगे, एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरा अवेलेबल है, बट वहाँ से कुछ समझ में आएगा नहीं इतना जल्दी क्योंकि आपको अच्छे से बार बार देखना पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए एक मतलब वन शॉट वीडियो में लेके आ रहा हूँ फिजिक्स जितने भी मतलब सारे बच्चों के लिए वो हेल्प कर जाएगा, क्योंकि फिजिक्स इज द कंपलसरी सब्जेक्ट जिसमें कि मैं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लॉगरिथमिक एंड ट्रिगोनोमेट्री जो ये 4 जो कॉन्सेप्ट रहता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स में यूज होने वाला है उसका एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो 1.5 घंटे का मैं बना के उसको मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग उसको जाके देखना, अगर आपको हेल्प लगा तो आप लोग आपके दोस्त लोगों से शेयर करना ताकि सब बच्चों को हेल्प मिल जाएगा, आप लोग का अगर मैथ स्ट्रांग हो गया ऑटोमेटिकली आप लोग का फिजिक्स भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। बस वही था, बस पढ़ाई करते रहिए, आज का दिन गणपति उत्सव भी आप लोग मना लिए होंगे, गणपति जी का पूजा भी कर लिए होंगे, बस यही प्रेयर कीजिए कि बस गणपति जी आप लोगों को बहुत ही मतलब अच्छा अच्छा मतलब बुद्धि दे और जो कि आपके पास है ऑब्वियसली, और उसको बस इंप्लीमेंट करना है अच्छी जगह में, पढ़ाई करना है और खुश रहना है बस, और खुशी से पढ़ाई करना है बस, पढ़ाई बस फोर्सफुली पढ़ाई करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, घर में बस पढ़ 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 और हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती हम बैठ के पढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका इंटरेस्ट जगा के पढ़ो तभी जाके कोई भी काम करो, अगर इंटरेस्ट देके अगर कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था, तो बस यही था कि आप लोग पहले स्टार्ट अगर नहीं किया स्टार्ट कर दो, गोल मेंटेन करो, गोल को सेट करो क्या करना है, थर्ड कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, 11th को बर्बाद मत करो क्योंकि 11th बर्बाद तो 12th भी बर्बाद हो जाएगा, और अगर 11th एक बार अच्छे से हो गया तो 12th भी अच्छे से होगा, और 11th 12th एक साथ हो गया तो बोर्ड्स भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा और उसके साथ एंट्रेंस भी आप लोग अच्छे से या फिर आगे का जो भी लाइन है वो भी अच्छे से आप लोग क्लियर कर सकते हो। बस इतना ही था आज का टॉपिक, अगर आप लोगों को यह सही लगा, हेल्प किया कहीं ना कहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा पॉइंट आपको सही लगा और क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, और जितना हो सके क्लास जो बच्चों को थोड़ा शेयर कीजिए क्योंकि जितना रीच पहुंचेगा उतना ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर 100 बच्चे से अगर 2-5 बच्चों को अगर हमें वैल्यू एडिशन हो जा रहा है तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब बड़ा बात होगा, क्योंकि मतलब बस इसी के लिए ही हम कंटेंट मतलब ला रहे हैं और इस ये टाइम के लिए कंटेंट मुझे लगा कि एक मतलब मोस्ट मतलब एक कंटेंट होने वाला है टू बी वॉच, सो आई मेड दिस वीडियो, सो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक नया कंटेंट को लेके, कुछ एडिशनल कंटेंट को लेके, बस खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए, और गणपति जी आपको बहुत ही अच्छा बुद्धि थी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, ऑल ऑफ यू स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।